वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइस, T2S का न्यू वर्जन आ चुका है, मतलब कि T2S का अपडेट आ चुका है। तो जिस भाई ने अपडेट नहीं किया तो उसको अपडेट कर ले प्ले स्टोर पर जाके, और प्ले स्टोर पर जाके आपने सर्च कर लेना T2S लिख के, मतलब टी फिर टू देना है फिर एस लेके, जो है ना आपने इसको सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपने यहाँ से इसको अपडेट कर लेना है, और अपडेट कर लेने के बाद जो है ना आपने, तो यहाँ से मेरा अभी अपडेट हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसको जो है ना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसको ओपन कर लेने के बाद जो है ना आपका कुछ मतलब नया इंटरफेस आ चुका है, तो आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो पहले कुछ मतलब इसमें फ्यूचर वगैरह जो है ना अभी अपडेट हुआ है तो कुछ चेंज हो गए हैं, तो इसमें जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने जो है ना ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक कर लेना है, जो कोने पे नज़र आ रही है थ्री लाइन, तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपने सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लेकिन नीचे जो थ्री लाइन पर अभी बैक आ गया मैं, तो नीचे थ्री लाइन नज़र आ रही है, तो आपने इस पर जो है ना क्लिक कर लेना है और सेटिंग में आ जाना है। नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, सेटिंग में आ जाना है, और यहाँ पे जो है ना आप देख लें इसके फ्यूचर जो है ना अभी चेंज हो चुके हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर ऊपर जो गूगल टेक्स टू स्पीच आ रहा है, तो आपने जो है ना इसको दो, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, आपने जो है ना ऊपर वाले गूगल पे जो है ना आपने इसको कर देना है। उसको कर देने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ गूगल पे, और नीचे आपको और भी ऑप्शन मिलते जाएंगे। आपने क्या करना है, नीचे आके आपने जो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब कि आप किसी भी मैसेज को, मतलब अगर हिंदी है या इंग्लिश है, उसको आपने मतलब किसी मतलब किस ज़ुबान में सुनना है, तो आपने जो ना उसी ज़ुबान पे कर लेना है। इसमें सारी, इसमें देख लें सारी लैंग्वेज आ रही हैं, तो आपने जो भी मतलब आपको जो भी सिलेक्ट करनी है आपने वो यहाँ पर कर लेनी है। तो यहाँ से मैं जो है ना उर्दू कर लेता हूँ, और नीचे आपको जो है ना मतलब आपकी कोई लैंग्वेज जो मतलब नहीं आ रही, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर आ चुके हैं, मतलब न्यू अपडेट आया है, और नीचे जो स्पीक रेट आ रहा है इसको आपने 1.0 ही रखना है, ज़्यादा कर आगे पीछे नहीं करना, दोनों को सेम ही रहने देना है। और ये वाली सेटिंग जैसे देख रहे हैं मेरी सेटिंग की हुई है, इसी तरीके से आपकी भी जो है ना होनी चाहिए, और इसको जो है ना मतलब कोई छेड़खानी नहीं करनी, और आपने नीचे आ जाना है, और इधर आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपने जो है ना नीचे आके लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं इसकी जो भी सेटिंग जैसे की हुई है, इसी तरीके से इस सेटिंग को आपने कुछ भी नहीं करना, मैं जैसे दिखा रहा हूँ मेरी सेटिंग की हुई है, इसी तरीके से आपने भी कर लेनी है। और यहाँ पे बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद ऊपर जो कॉपी टू स्पीच आ रहा है इस पर क्लिक कर लेना है, और इसको आपने इनेबल कर देना है। यहाँ से मैं इनेबल कर देता हूँ, और नीचे जो भी सेटिंग जैसे आ रही है, तो यहाँ पर आपको एरो का निशान भी आ जाएगा, मतलब जैसे ऊपर मेरे मतलब मेरे स्क्रीन पे आ चुका है, और जैसे मैंने सेटिंग की हुई है इसी तरीके से आपने कर लेनी है। और यहाँ पे आपने इसका जो टाइमर है इसको छेड़ना नहीं है, थ्री सही है, अगर आप कर भी लेते हैं कोई मसला नहीं है, जैसे आपको सही लगता है, तो मैंने तो इसी तरीके से किया हुआ है, तो ये यहाँ से जो है ना आपने इसको छेड़ना नहीं है, और नीचे वाली सेटिंग आपने इसको बंद ही रखना है, इसको जो है ना ऑन नहीं करना, ठीक है। बाकी जो भी मतलब मेरी जैसी सेटिंग की हुई है इसी तरीके से आपने कर लेनी है। तो यहाँ से मैं आपको जो है ना एक और सेटिंग ये दिखा रहा हूँ मोर ऑप्शन पे जो आ रही है, तो इसको इसका फ्यूचर क्या है एक्सपोर्ट एंड ऑडियो फाइल का, जो है ना ऊपर वाली सेटिंग को छोड़ दें, नीचे वाली जो सेटिंग है ये आपके लिए बेहतरीन है। अगर किसी भी आप मैसेज को मतलब रीड कर रहे हैं, उसको जो है ना हिंदी को उर्दू में कर रहे हैं, इंग्लिश को उर्दू में कर रहे हैं, किसी भी ज़ुबान में कर रहे हैं, तो उसको अगर आप उसकी एक वॉइस बनाना चाहते हैं, मतलब उसकी वॉइस बना के किसी भी आप ऐप पे सेंड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, किसी भी फेसबुक पे, किसी पे भी सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने इसको नीचे वाले ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है। ऑफ़ किया हुआ है तो उसको ऑन कर लेना है, ऑन करेंगे तो ये आप मतलब इसकी एक वॉइस बन जाएगी, मतलब जैसे आप व्हाट्सएप पे वॉइस सेंड करते हैं इसी तरीके से, अगर वो भी ये फिर वॉइस बन जाएगी, इसको फिर आप किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को आप सेंड कर सकते हैं। तो ये आप जो है ना मतलब नया फ्यूचर आ चुका है इस T2S में, और बेहतरीन है, इसको आप अगर इनेबल करना चाहते हैं यहाँ से इनेबल कर लें, और अगर नहीं करना चाहते तो आपने इसको ऑफ़ कर देना है। तो ये एक जो है ना बेहतरीन इन्होंने मतलब अपडेट दिया है, और बहुत बहुत ही बेहतरीन है। और अभी हम चल के आपको जो है ना थोड़ा सा चेक कराते हैं व्हाट्सएप पे, एक मैसेज मैं आपको रीड कराता हूँ। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप में।
तो यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ से आपने किसी भी मैसेज को कॉपी करके इस पर क्लिक कर देना है एरो पे। तो यहाँ से कोई भी मैसेज हो आप उसको कॉपी करके आपने बस कुछ भी नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही आपको, इसीलिए अगर थोड़ी सी आपको समझ आएगी, लेकिन जो है ना मतलब शोर है मेरे पीछे इसीलिए नहीं आ रही। तो इसी तरीके से कोई नए फीचर आ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।